बयान देकर बुरी फंसी सोरा, सता रहा है मोदी का डर। सोरा भास्कर के तीखे तेवर उन्हें ले डूबे, मोदी पर बोल उड़ाई अपनी धज्जियां। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीति पार्टियों पर छींटाकशी होना तो काफी आम बात है। अलग अलग पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। हालांकि सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी हर कोई नहीं करता, लेकिन फिल्म जगत के कुछ कलाकार ऐसे हैं जो ऐसे मौकों पर मानो तलाश में रहते हैं। इनमें एक नाम तो प्रकाश राज का है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई हर दूसरे दिन मोदी विरोध में बयानबाजी करने के लिए मशहूर है तो वो है सोरा भास्कर। सोरा भास्कर को अक्सर ही बीजेपी की नीतियों के विरोध में बोलते हुए देखा गया है। हालांकि इस बार उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी का नाम लेकर उन पर वार किया। सोरा भास्कर का कहना है कि भारत में लोगों को सरकार से डर लगता है। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बातें कही जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए एक और सरकार दो में लोग खुलकर बोलते थे और लोगों को बोलने की आज़ादी थी। वहीं आज़ादी अब छिन गई है, लोगों को बोलने पर पाबंदी लग गई है। अब लोग सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। जेएनयू में पढ़ाई के दौरान मुझे पाकिस्तान, ईरान, गाजा और खाड़ी के देशों में जाने का मौका मिला। मैं पाकिस्तान से होकर ईरान और गाजा पहुंची। इस दौरान वहां के लोगों से मिली और वहां राजनीतिक परिस्थितियों को समझा। वहां के लोगों की एक बुरी बात यह है कि सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाते। इसके बाद सोरा ने भारत की परिस्थितियों पर बात की और अपने बयान में कहा, भारत की खासियत ये थी कि यहाँ के लोग बोलने से डर नहीं लगता था। यहाँ भिखारी भी सरकार को गाली दे देता था, सवाल पूछता था, लेकिन 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, लोग सरकार से सवाल पूछने से डरते हैं। ये नया शुरू हुआ है। एक बार मनमोहन सिंह जेएनयू में आए थे, उनके साथियों ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए, लेफ्ट विंग के छात्रों ने प्रदर्शन किया, वीसी ने सबको सस्पेंड कर दिया। मनमोहन सिंह के ऑफिस से एक चिट्ठी आई जिसमें कहा गया कि छात्रों को निलंबित ना किया जाए, इससे उनका भविष्य खराब होगा, उन्हें अपनी बात कहने का संवैधानिक हक है। सोरा ने मोदी सरकार में डर फैलने की बात तो बड़े आराम से कह दी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, देखिए इंसान को डर तब लगता है जब या तो वो गलत हो या फिर वो अपने पेरेंट से डरता है। अब या तो ये गलत हैं या मोदी इनका पेरेंट है। दूसरे यूजर ने लिखा, आपकी सभी फिल्म फ्लॉप हो गई, अब संन्यास ले लें, कोई भी दम बाकी नहीं है। इतना ही नहीं, अगले यूजर का कहना है, डर जरूरी है, यही देखने के लिए मोदी को वोट किया था। वहीं एक ने कहा, ये तो रोज भौंकती रहती है, इसको किसी ने रोका क्या? जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा की सरकार पर तंज कसना सोरा के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुकी हैं। आलम ये हो गया है कि उन्हें मोदी विरोधी की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। वहीं लोगों से अपनी फजीहत कराने की खुद सोरा को भी आदत सी पड़ गई है। तो कैसी लगी आपको हमारी खबर? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।